हमारी प्राणायाम की सीरीज चली हुई है और आज मैं एक प्राणायाम की बात करूंगा जो समस्त कफ दोषों को दूर करता है। जानेंगे कि शरीर में जो कफ दोष हैं वो उनका स्थान यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होता है। तो समस्त कफ रोगों को दूर करने वाला आज ये प्राणायाम रहेगा। आपको क्या विधि है, शास्त्रोक्त जो विधि शास्त्रों में जो बताई गई है वो क्या विधि है, उसको कैसे करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज और आपके अपने चैनल गुरुजी योगा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्राणायाम है, प्राणायाम का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं विशेष तौर पर शास्त्रोक्त प्राणायाम की बात करूँगा जिससे समस्त जो आपके श्लेष्मा जो कफ संबंधी जो बीमारियाँ हैं उनको दूर करता है। तो उस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से यहाँ से ऊपर के जो जितने भी जो कफ का स्थान है जहाँ कफ बनता है तो उन समस्त दोषों को ये दूर करता है। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट है और मैंने कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग देखा है, कुछ को बताया है, वो भी मैं चर्चा अंत में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं क्या विधि है उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी प्राणायाम के लिए जैसा मैं आपको बताता हूँ, प्राणायाम आप कोई भी करें, आपकी कमर और गर्दन को सीधा आप रखें, कोई भी आप आसन बना लें, ध्यानात्मक आसन आप बना लें जिसमें आप लंबे समय तक बैठ पाएँ। तो मैंने सिद्धासन आपका बना लिया है, आप पद्मासन बना सकते हैं, वज्रासन बना सकते हैं, सुखासन बना सकते हैं, जहाँ आप कम्फर्ट होकर बैठ पाएँ। तो करना क्या है, इसमें आपको गले से रगड़ खाती हुई श्वास को भरना है। जब आप गले से रगड़ खाती हुई श्वास भरें तो जो श्वास की जो आवाज़ है वो आपकी कंठ, आपका पूरा ये हृदय प्रदेश है यहाँ तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए, वो खिंचाव होना चाहिए, खिंचाव के साथ आवाज़ जानी चाहिए। यानी कि जब आप श्वास को भरेंगे ऊपर से तो पूरा आपका जो गला है गले से रगड़ खाती हुई आवाज़ करती हुई आपके पूरे ये जो छाती का जो एरिया है यहाँ तक वो कंपन होनी चाहिए। ऐसा करने वाला जो प्राणायाम है वो आपका उज्जयी प्राणायाम है और ख़ास करके कफ के समस्त जो दोष हैं वो इससे दूर होते हैं। अब कैसे इस प्राणायाम को करना है, शास्त्रों में विधि बताई गई, दोनों नोस्टल से एक साथ श्वास भरनी है आपको। देखिए, मैंने गले को टाइट किया है, आप साथ साथ करेंगे, गले को मैंने टाइट कर लिया है। टाइट करते हुए यहाँ से श्वास आपने भरनी है, जब श्वास भर रहे हैं श्वास की पूरी जो रगड़ है उसकी जो गुंजन है वो आपकी इस पूरे एरिया में आपको महसूस करनी है। इतनी जोर से आपको अपनी श्वास को अंदर खींचना है। अगर आप प्रारंभ में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। अब इसकी पूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। जैसे खींचनी श्वास को ऐसे ही है, जैसे मैंने अभी खींच को बताया, यहां से आपको श्वास को खींचनी है। अभी मैं आपको पूर्ण विधि बताऊंगा, श्वास को आपको ऐसे ही खींचना है जैसे मैंने खींच के बताया है। जब श्वास आपकी पूरी खींच जाए उसके बाद में क्या करना है, आपको जालंधर बंद लगा लेना है, अपनी ठुड्डी को कंठकूप पे लगा लेना है और नीचे से मूलबंद लगा लेना है। आपको मूलबंद में अपनी गुदा को ऊपर खींचना है और ठुड्डी को कंठकूप पे लगा के जालंधर बंद लगाना है और श्वास को होल्ड करना है, रोक के रखना है। आपको कितनी देर रोकेंगे, जब तक आप रोक पाएं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप अपनी राइट नोस्टल को बंद करेंगे, सूर्य सवर को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को खाली कर देंगे। ये इसकी कंप्लीट विधि है जो समस्त कफ दोषों को दूर करती है। तो एक बार मैं आपको विधि के साथ करके बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ साथ करेंगे। अपनी आँखें आप बंद कर लें, जितनी देर आप रोक सकते हैं इस चीज़ को रोकें, फिर राइट नोस्टल को बंद करके और लेफ्ट से धीरे धीरे अपनी श्वास को खाली कर दें। इस प्रकार से ये उज्जयी का अभ्यास
इसको 3 से 4 बार अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे आपको कफ ज़्यादा बनी हुई है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया हुआ है कि ये एक ऐसा प्राणायाम है, इसको चलते फिरते भी किया जा सकता है। आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आपका गला ख़राब हो गया है, तो आप इसको चलते फिरते भी कीजिए। ये भी मेरा पर्सनल अनुभव है, जब भी लगता है कि गले में इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, शरीर में जब भी बीमारी आती है तो आपके गले के माध्यम से आती है, गला उसको रोकने की कोशिश करता है। जब उस समय अगर आपने गले की कुछ सहायता करती है, आपने गले को इस प्रकार से रगड़ के उज्जयी प्राणायाम कर दिया है, तो बीमारी वहाँ से रुक जाएगी, वो भाग जाती है। अगर आपने हेल्प नहीं की तो फिर वो, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो फिर वो आपके ऊपर अटैक करके आपको बीमार कर देने वाली है। तो पहले गले में, जब आपको लगे कि गले में अभी आपका खरांस हो गई है, गला मेरा ख़राब हो गया है, तो समझ लेना कि बीमार होने वाले हैं। तो उस स्थिति में आप लगातार इसका अभ्यास करते रहें, चलते फिरते भी आप इसका अभ्यास करते रहें, तो फिर आप देखेंगे कि आप जल्दी उस बीमारी से निजात पा लेते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो वही है, आपको रगड़ खाती हुई श्वास को भरना है, रगड़ खाते ही छोड़ना है। ऐसे आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं। आपका गला जाम हो गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है, तो भी आप इस क्रिया को करें। जिसकी जो तुतलाते हैं, जो हकलाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है। वो बस इतना ही करें, ऐसा करने से आपका जो स्वर है उसमें सौष्ठव आ जाएगा, उसमें मधुरता आपके आने वाली है और गले की जितनी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा ये प्राणायाम जो है आपके गले में जो ग्लैंड्स हैं, आपकी थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी ये प्रभाव डालता है। और ऐसा होने से जो वो हार्मोन का जो इम्बैलेंस है जिसे बीमारियाँ होती हैं, उससे भी आप बच जाते हैं। आपको पता है कि जो थायराइड जो होता है, थायराइड होने के बाद क्या क्या कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचाती हैं, तो उन सभी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उनकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि आप जो गला है और जो कफ जो यहाँ आपका रहता है, 20 प्रकार का जो कफ है, जो इसके ऊपर का जो एरिया है जहाँ उसका स्थान होता है, उस एरिया को ये स्वस्थ रखता है ये जो प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम से संबंधित अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।